दैट इज सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स में एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर दिख गया ना बेटा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस आ गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस तो याद रखने का एग्जम्प्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस आ गया तो एग्जम्प्ट, एग्रीकल्चर दिख गया तो समझ जाने का कि भाई जीएसटी नहीं लगेगा, तो उसमें भी बराबर है कि फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जम्प्ट, क्या सर्विसेज में देखा ना आपने, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, कल्टीवेशन तो कॉमन चीज है बेटा एग्रीकल्चर में, ठीक है, सो सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, बराबर है, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, रियरिंग मींस ब्रिंग अप एंड केयर फॉर अंटिल दे आर फुल्ली ग्रोन, जैसे पशुपालन करना, सुना होगा ना हम पालते हैं ना बेटा गाय, बराबर है, काऊ हो गए, मालूम पड़ा कि नहीं, जो भी है आप पशुपालन में जो भी कर रहे हो, बकरी पाल रहे हो, गोट पाल रहे हो, गाय पाल रहे हो, ठीक है, गाय भैंस देखते हो ना गांव में, ठीक है, तो रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स सिर्फ हॉर्स को छोड़ के, हॉर्स नहीं होना चाहिए उसमें, अगर हॉर्स आ गया, अगर हॉर्स का रियरिंग कर रहे हो तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, तो आपको जीएसटी लगेगा, बाकी कोई भी है ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स तो उसके ऊपर नहीं, बट एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस के ऊपर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, तो याद रखो सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, कि भाई एनिमल्स को आप पाल रहे हो, बराबर है, पर्पस क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, जो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से रिलेटेड हो, एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, मतलब हॉर्स नहीं उसमें होगा, अगर हॉर्स का रियरिंग कर रहे हो, हॉर्स को पाल रहे हो आप, तो उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा, ये रियरिंग ऑफ हॉर्स में आपने सुना होगा स्टड फार्मिंग, क्या बड़ा स्टड फार्मिंग, वॉट स्टड, ये याद रखना ये एग्जाम में आ सकता है, स्टड फार्मिंग आ गया ना, स्टड फार्मिंग तो याद रखने का, स्टड फार्मिंग के ऊपर क्या होता है जीएसटी लगता है, स्टड फार्मिंग जो घोड़ों का, बराबर है, घोड़े से रिलेटेड हो गया ना बेटा, हॉर्सेस से रिलेटेड स्टड फार्मिंग, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बाकी अदर लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स का रियरिंग कर रहे हो आप तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो इसलिए बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट दैट इज सर्विसेज रिलेटिंग टू व्हाट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, अब ये सब एनिमल्स आप पाल रहे हो उससे क्या मिल रहा है आपको, मिल्क मिल रहा है, फाइबर मिलता है एनिमल से, बराबर है, सो देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, तो सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, अगर हॉर्सेस का जो भी रियरिंग करोगे मतलब घोड़ों को पालोगे तो उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा, उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, ठीक है, तो याद रखना सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कल्टीवेशन, राइट है, खेती करने के लिए भाई नॉर्मल सी बात है ना, खेती कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स बाय वे ऑफ व्हाट, बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है, जो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया मतलब एग्जम्प्ट, 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 ठीक है, तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन रिलेटेड टू व्हाट, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, राइट, तो ये जो भी सर्विसेज है रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स बाय वे ऑफ व्हाट, बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बराबर है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड, टिंग टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ गया तो समझ जाने का क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, इंक्लूडिंग जो भी है, कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, प्लांट प्रोटेक्शन है, टेस्टिंग है, प्रूनिंग है, बहुत सारी सर्विस, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, सो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, प्रूनिंग, मालूम पड़ा, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, तो फिलहाल कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिखा है मैंने इधर, और भी पॉइंट्स होते हैं बट ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, याद रखना सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया ना, जो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस तो याद रखने का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, अब फार्म लेबर में क्या बोल रहा है, देखो अभी लेबर भी, देखो कोई एजेंसीज होती है वो लेबर भी प्रोवाइड करती है, बराबर है, समझो किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे कुछ लेबर्स की जरूरत है, ठीक है, तो एक एजेंसी क्या करती है, समझो अगर वो सप्लाई कर रही है फार्म लेबर को तो वो भी सर्विस दे रही है, तो क्या हो गया एग्रीकल्चर रिलेटेड ना,
क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड पे काम करने वाले हैं ना बेटा, तो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड आ गया सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, अगर वो एजेंसी सप्लाई कर रही है फार्म लेबर को, लेबर की सर्विस दे रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर भी एग्जेम्प्ट है उसकी भी, अगर आपने एजेंसी ली है और सर्विस दे रहे हो तो उस पे भी जीएसटी लगेगा नहीं, याद रखना, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। उसके बाद प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, क्या बेटा, प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म मतलब एग्रीकल्चरल फार्म पे अगर कुछ प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग प्रूनिंग, प्रूनिंग मतलब कटिंग करना, ट्रिमिंग करना, प्रूनिंग कटिंग हार्वेस्टिंग, देख रहा है ये सब किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया ना बेटा, प्रोसेसेस कटिंग प्रूनिंग कटिंग हार्वेस्टिंग ड्राइंग क्लीनिंग फ्यूमिगेटिंग, फ्यूमिगेटिंग करना पड़ता है ना एग्रीकल्चरल पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे पेस्टिसाइड डालना ये सब जो भी है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग कूलिंग, मतलब सब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से रिलेटेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, अरे अब दिखेगा ही ना भाई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो दिखेगा ही ना राजा, समझा, तो फ्यूमिगेटिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग कूलिंग और बल्क पैकेजिंग, क्या बेटा, बल्क पैकेजिंग एंड सच लाइक ऑपरेशंस, तो ये जो भी लाइक ऑपरेशंस है एग्रीकल्चर रिलेटेड विच डू नॉट अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बराबर, तो सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गए बेटा, और जो भी प्रोसेस कैरिड आउट हुआ है एट एन एग्रीकल्चरल फार्म इंक्लूडिंग जितने भी प्रोसेस है, बट उन प्रोसेस से उस जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होना चाहिए, उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होना नहीं चाहिए, याद रखना जो है वही रहना चाहिए, मालूम पड़ा कि नहीं, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका चेंज होना नहीं चाहिए, मालूम पड़ा, तो विच डू नॉट ऑल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, तो ये सारे अपने क्या हो गए, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, तो एग्रीकल्चर पे आप जो भी प्रोसेस करोगे उससे उसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, मतलब जो प्राइमरी है, प्राइमरी नेचर का जो प्रोडक्ट है वो चेंज होना नहीं चाहिए, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा, वो चेंज होना नहीं चाहिए, वो चेंज होगा तो फिर जीएसटी लग जाएगा, वो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, तो प्राइमरी नेचर जो है वो उसका चेंज होना नहीं चाहिए, मालूम पड़ा कि नहीं, समझे, तो याद रखना, मालूम पड़ा, अभी जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स ठीक है, फ्रूट्स को आपने प्रोसेस करके पूरा एकदम समझो सेकेंडरी मार्केट में लाने के लिए प्रोसेस करके उसका क्या बना दिया, फ्रूट जूस बना दिया, तो फ्रूट जूस पे क्या हो जाएगा, फ्रूट जूस पे भाई जीएसटी लगेगा, टोमेटो है, टोमेटो वो प्राइमरी प्रोडक्ट है, अब उस पर प्रोसेस करके, इतना प्रोसेस करके उसका प्राइमरी नेचर चेंज कर दिया आपने, टोमेटो कैचअप बना दिया, टोमेटो कैचअप, तो क्या हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा ना यार, उसका जो प्राइमरी नेचर है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, मालूम पड़ा, अभी पैडी है, पैडी, पैडी को प्रोसेस करके, सब प्रोसेस करके राइस बना दिया, तो प्राइमरी नेचर चेंज हो गया ना, तो जीएसटी लग जाएगा, लेकिन राइस के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाया, क्योंकि राइस पता है ना साउथ में ये सब राइस तो भाई नॉर्मल है, मालूम पड़ा, राइस तो चाहिए ही सबको, ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर एग्जेम्प्ट रखा है, ठीक है, नहीं तो प्राइमरी अगर नेचर चेंज हुआ, प्राइमरी नेचर चेंज हुआ, अभी पैडी को क्या करते हो, मिलिंग करके जो भी प्रोसेसिंग करके फिर राइस निकलता है ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी राइस निकल जाएगा, डायरेक्ट राइस निकलता है क्या, नहीं ना, ठीक है, तो पैडी होगा, मिलिंग करोगे फिर राइस होगा, उसका प्रोसेस करना पड़ता है पूरा, ठीक है, राइट, तो प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म इंक्लूडिंग व्हाट, प्रूनिंग, याद रखना, जो भी प्रोसेस कैरिड आउट हुआ है एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग व्हाट, प्रूनिंग कटिंग हार्वेस्टिंग ड्राइंग क्लीनिंग फ्यूमिगेटिंग, जितने भी ऑपरेशंस है प्रोसेसेस है वो करने से, लेकिन वो करो बट उस प्रोडक्ट का प्राइमरी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होना चाहिए, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड नॉट गेट चेंज, वो चेंज नहीं होना चाहिए, समझा, मालूम पड़ा, ओके, तो वो चेंज हो गया ना, वो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ तो जीएसटी लग जाएगा, तो जीएसटी लग जाएगा रे बापा, समझा, मालूम पड़ा, तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हो तो फिर जीएसटी लगेगा नहीं, याद रखना। सो क्या क्या पॉइंट देख लिया आपने, सिंपल याद रखो सब लोग, क्या क्या आपने देखा एक बार रिव्यू करो, कि सर्विसेज रिलेटिंग टू व्हाट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, याद रखना, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया,
एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स. लेकिन एनिमल्स में जो पशु बराबर है, जो आप एनिमल्स का पालन कर रहे हो ना बेटा, पशु का पालन, उसमें लेकिन हॉर्स नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस. याद रखना, रियरिंग ऑफ हॉर्सेस नहीं होना चाहिए. समझा, मालूम पड़ा? समझा कि नहीं? रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस. बाकी ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स आएगा, उनका रियरिंग चलेगा. ठीक है, तो सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड होगा, डायरेक्टली रिलेटेड होगा. सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ये भी देख लिया, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. प्रोसेस जो भी आप कैरिड आउट कर रहे हो एग्रीकल्चरल फार्म पे, ठीक है, मालूम पड़ा? जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस कर रहे हो, वो भी उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन उसका, उस प्रोडक्ट का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होना चाहिए. वो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होना नहीं चाहिए. प्राइमरी नेचर उसका चेंज नहीं होना चाहिए. समझा? अगर चेंज हुआ तो जीएसटी लग जाएगा. समझा, मालूम पड़ा? सो दीज ऑल आर द सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. फिर आगे क्या बोलता है, फिर याद रखो ये सब पढ़ने के बाद, डी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, डी देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन. फ्यूमिगेशन तो भाई अभी एग्रीकल्चर सर्विस दे रहे हो यार, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया ना, फ्यूमिगेशन तो करना ही पड़ेगा. फ्यूमिगेशन नहीं करोगे क्या एग्रीकल्चर में? वो तो जरूरी है ना यार. ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया ना, दैट इज व्हाट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन. फ्यूमिगेशन मींस पेस्ट कंट्रोल टाइप हो गया ये, बराबर है, पेस्ट कंट्रोल टाइप, राइट? तो भाई अभी जो भी नॉर्मल सी बात है, फ्यूमिगेशन नहीं करेगा तो जो भी इंसेक्ट्स है वो तो भाई ऐसे ही पूरा खा जाएंगे आपकी फसल को, है कि नहीं? सो सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल है इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा. आप कहीं वेयर हाउस भी रखोगे, वहां भी फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नहीं तो पता चला जो फसल है सब हो गया, निकल लिया उधर ही. ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. तो ये भी सर्विसेज पे क्या है, जीएसटी लगेगा नहीं. सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हाट, फ्यूमिगेशन. फ्यूमिगेशन मतलब क्या हो गया, पेस्ट कंट्रोलिंग करना उसमें भी. ठीक है, मालूम पड़ा? जो भी पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, मालूम पड़ा, उसके रिलेटेड आपको जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है. तो याद रखना, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन in a warehouse of agricultural produce, in a warehouse of agricultural produce, that is also exempt, right? उस पे भी GST नहीं लगेगा. फिर ये सब याद रखने का, ये सब exam में आता है. Services by way of fumigation, exempt है कि नहीं, या taxable है, amount दिया रहेगा. तो अगर exempt है तो nil, exempt, और exempt नहीं है तो amount लिखने का, फिर उसके ऊपर tax calculate करने का, वो करेंगे बाद में हम लोग. ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. बराबर है क्या बेटा? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. वेयर हाउसिंग ऑफ व्हाट बेटा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो याद रखना, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग. क्या? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ गया ना, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड हो गया. तो जो भी लोडिंग कर रहे हो, अनलोड कर रहे हो, अनलोडिंग है, पैकिंग है, स्टोरेज है और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड. अगर आप अपना कोई भी वैकेंट लैंड, बराबर है, रेंटिंग पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, या एग्रो मशीनरी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मशीनरी है वो भी रेंट पे दे रहे हो, तो उस पे भी जीएसटी नहीं है. रेंटिंग और लीजिंग दे रहे हो आप अपना एग्रो मशीनरी या वैकेंट लैंड, जो भी रेंटिंग, किससे, पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड. क्या? एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ ना, तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. याद रखना, तो रेंटिंग और लीजिंग ऑफ व्हाट, एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट अ स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज. ठीक है, तो मेन याद रखो, अगर रेंटिंग पे दिया या लीजिंग पे दिया आपने एग्रो मशीनरी या वैकेंट लैंड, लेकिन मेन पर्पस क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड. एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा तो उसके ऊपर भी जीएसटी का सवाल नहीं उठता.
बराबर है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा नहीं, मालूम पड़ा। तो रेंटिंग से रिलेटेड कुछ भी है, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड है, राइट, तो उस पे भी जीएसटी लगने वाला नहीं है, याद रखो, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड है, आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया है, बराबर है, वो एग्रो मशीनरी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रेंटिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने रेंटिंग किया है, वैकेंट लैंड एग्रीकल्चर रिलेटेड है, बराबर, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा नहीं, याद रखना। फिर ये सब तो मेन हो गया आपका, याद रखना, तो ये पॉइंट्स सबके दिमाग में रहना चाहिए, क्या सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हाट, क्या बोल रहा है, पहला स्टार्टिंग से देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस बाय वे ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ये भी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोसेस जो आप कैरी करोगे एग्रीकल्चरल फार्म पे, बट उस प्रोसेस से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसका प्राइमरी नेचर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होना चाहिए। फिर क्या देखा आपने, नेक्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन दिया, लोडिंग अनलोडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हाँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड है पप्पा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड है बेटा, इसलिए फिर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से लोडिंग हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, वो भी एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। रेंटिंग और लीजिंग किया आपने एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपने जमीन दी है रेंट पे, लीजिंग दिया है, वो भी एग्जेम्प्ट है, बराबर, याद रखना ये सब। फिर क्या बोलता है नेक्स्ट, देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, तो स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स पता है ना, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, अभी कोई कसाई खाने में चले जाओ, द स्लॉटरिंग होता है ना एनिमल्स का, उसकी भी सर्विसेज पे क्या है, जीएसटी लगता नहीं है, बराबर, देखते नहीं हो मटन बनता है, बराबर, वो चिकन काटते हैं, बराबर, काटते ना मुर्गी काटते हैं, बकरी काटते हैं, राइट राइट, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, मटन शॉप पे चले जाओ दिखेगा आपको स्लॉटरिंग, सीधा सीधा दिखता है, ठीक है, तो सर्विसेज बाय ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स भी एग्जेम्प्ट रखा है। सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हाट, क्या दिया है, प्री कंडीशनिंग, सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हाट, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, जैसे वो जो बनाना होता है उसको रैपन करते हैं ना हम लोग, बनाना को रैपन करते हैं, राइट, नहीं तो क्या कच्चा खाएगा क्या, ठीक है, सो सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रैपनिंग, वैक्सिंग एप्पल्स के लिए, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच डू नॉट चेंज और अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेड फ्रूट और वेजिटेबल्स, तो देखा ना हमने, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो रिलेटेड, समझो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले लो, उसका प्री कंडीशनिंग करना, प्री कूलिंग करना, रैपनिंग करना, राइपनिंग मतलब पकाना, जैसे वैक्सिंग करना, बराबर है, रिटेल पैकिंग करना, लेबलिंग करना, किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, बट उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, अगर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ तो नहीं, बराबर है, तो नहीं, मालूम पड़ा, समझा, अभी एप्पल है, मैंगो है, ये सब इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका चेंज नहीं होना चाहिए, पता चला उसको करके वो मैंगो जूस बनाया, एप्पल जूस बनाया, एप्पी फिज बनाया, बराबर, एप्पल जूस बनाया, तो वो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा है, तो अगर वैसा हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स खाली चेंज नहीं होना चाहिए। अब लेबलिंग करने से कोई इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता उसमें, ठीक है, राइट, मालूम पड़ा इसमें, तो क्या पर्पज है उसका, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो बेटा, बाय वे ऑफ व्हाट, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ व्हाट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच डू नॉट चेंज और अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होना चाहिए, जो है वही रहना चाहिए, प्राइमरी नेचर का, सेकेंडरी नेचर हो गया, अभी वो फ्रूट्स को फ्रूट जूस बना दिया, क्या बना दिया, फ्रूट जूस, तो वो भाई उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया, चेंज, अरे बाबा चेंज हो गया, तो फिर जीएसटी लगेगा, तो देना पड़ेगा जीएसटी, तो भरना पड़ेगा भाई, जीएसटी भरना पड़ेगा, तुम्हारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया ना रे बाबा,
टिंग 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 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया ना तो जीएसटी देना पड़ गया, समझे क्या? याद रखना, तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स शुड नॉट गेट चेंज, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए, वो चेंज होना नहीं चाहिए। तो याद रखना, सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हाट, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रैपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच डू नॉट चेंज और ऑल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो ये पॉइंट सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, मालूम पड़ा? तो ये सब क्या दिमाग में एकदम फिक्स रखना, क्लियर? तो क्या क्या देख लिया हमने एक बार फटाफट क्विक रिव्यू कर लो, कौन कौन सा देखा? देखो, फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। लेकिन एनिमल्स में किसका रेयरिंग नहीं आएगा? हॉर्सेस का, वो नहीं होगा, ठीक है? तो सर्विसेज ऑफ, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, जो डायरेक्टली रिलेटेड होगा टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, राइट? मालूम पड़ा, जो भी प्रोसेस कर रहे हो उससे उसका जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होना चाहिए, समझा? मालूम पड़ा? उसके बाद क्या देखा आपने नेक्स्ट पॉइंट में, ये देख लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, फ्यूमिगेशन वाला, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फिर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड जो भी लोडिंग है, अनलोडिंग है, पैकिंग है, स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, उस पे भी जीएसटी नहीं है। रेंटिंग, अगर कोई भी रेंटिंग या लीजिंग कर रहे हो ऑफ एग्रो मशीनरी, एग्रीकल्चरल मशीनरी का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो मशीनरी है या बराबर है वैकेंट लैंड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड तो बहुत सारी मशीनरी है ना यार, ठीक है? देखते हो ना क्या एग्रीकल्चर हो रहा है, जाके देखो कितनी सारी मशीन दिखेगी, मालूम पड़ा कि नहीं? मशीनरीज ही मशीनरीज है, वो देखो कटाई करते ना उसका, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? देयर आर सो मेनी मशीनरीज, ठीक है? टूर पे लेके जाऊंगा ना बेटा, तभी दिखा दूंगा सबको, ठीक है? जब भी जाओगे तो रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट अ स्ट्रक्चर, विथ और विदाउट अ स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू यूज, इंसिडेंटल टू इट्स यूज, ठीक है? तो याद रखना, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड आया तो वो भी क्या हो जाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सर्विसेज बाय स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स आपने देखा, अलग से पॉइंट था। और कोई भी सर्विसेज होगा बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच डू नॉट चेंज और ऑल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर? कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड कुछ भी सर्विसेज दिया है आपने बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग का, प्री कूलिंग का, राइपनिंग का, वैक्सिंग का, रिटेल पैकिंग का, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होना नहीं चाहिए, ये याद रखना, क्लियर एवरीवन? तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, अच्छे से याद रखना इसको बच्चा लोग, समझा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये पूरा पॉइंट, एक एक पॉइंट आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, फिक्स, मालूम पड़ा?